Good morning. Example first and example second are complete in previous video. Next, we discuss the examples based on the method of residue find out at the point z equal to infinite. कि z equal to infinite पर जो भी फंक्शन गिवन है उसका रेजिड्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखो इसमें आप लोगों को पॉइंट्स बताए थे कि यदि सी इज एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, सी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लेते हैं मोस्टली, तो उस केस में यदि जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर रेजिड्यू फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू माइनस वन अपॉन टू बाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड होगी. नेक्स्ट इसमें सेकेंड मेथड में बताया था कि जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर रेजिड्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे कि जो भी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है जेड इक्वल टू जीरो पर ले रहे हो तो कोफिशियंट ऑफ वन अपॉन जेड का नेगेटिव पार्ट लोगे. ठीक है, जेड इक्वल टू ए पर लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है फंक्शन का, देन रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट एट माइनस कोफिशियंट ऑफ वन अपॉन जेड माइनस ए हो जाएगा. ठीक है, तो वो इस पर डिपेंड करेगा कि किसके अकॉर्डिंग फंक्शन जो है वो फंक्शन को सीरीज एक्सपेंशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो. लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन का मीन्स यही है कि जेड की नेगेटिव पावर्स वाली टर्म्स जो है वो उसमें इंक्लूड होंगी. तो ये सेकेंड मेथड ये था कि माइनस कोफिशियंट ऑफ वन अपॉन जेड. थर्ड मेथड में जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर रेजिड्यू फाइंड आउट करना हो देन लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस जेड इंटू एफ जेड. ठीक है, माइनस को बाहर ले लो चाहे इसके साथ ले लो, एक ही बात है. तो इसके अकॉर्डिंग भी फाइंड आउट कर सकते हो. बट इसमें क्या है, इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एफ जेड जो है वो जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए. यदि एफ जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर एनालिटिक है तो ही इस टर्म को या इस फॉर्मूले को यूज करोगे. ठीक है, देखो इससे एग्जांपल्स करेंगे तो उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो मोस्टली इसी को यूज करते हैं. ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स अभी एग्जांपल सेकंड में आप लोगों को बता दिए थे कि सिंपल पोल दिया हुआ हो तो उसके अकॉर्डिंग किस तरह से रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे. ये पॉइंट भी डिस्कस हो गया कि फंक्शन एफ जेड इज इन दिस फॉर्म देन रेजिड्यू इक्वल टू फाई ए अपॉन साइड एस ए. तो जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पॉइंट पर रेजिड्यू फाइंड आउट करना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर. देखो इसमें क्वेश्चन है, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट. कि ये फंक्शन है, इसका जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर रेजिड्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये फंक्शन है. ठीक है, इसको एक्सपेंड करें, पहले एक्सपेंड करते हैं और फिर इसमें देखेंगे कि जेड की नेगेटिव पावर्स वाले टर्म इंक्लूड हैं या नहीं. फिर इसमें माइनस पार्ट ऑफ कोफिशियंट ऑफ वन अपॉन जेड. ठीक है, देखो कैसे. जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, वन माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर. ठीक है, तो ये टर्म आ गया अपना जेड, जेड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी टू पावर वन पावर रिमेनिंग और वन माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर की पावर माइनस वन. यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन. क्या होता है वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन? वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन. ठीक है, तो वन प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस एंड सो. एक्सपेंशन फॉर्मूले सभी को क्लियर है.
एक्सपेंशन फॉर्मूले फाइंड आउट करने हो, एक फॉर्मूला ध्यान रखो, वन प्लस एक्स की पावर एन, पहले भी बताया होगा, वन प्लस एक्स की पावर एन, ये ध्यान रखो। इससे फिर एक्स और एन को चेंज करके और एक्सपेंशन फॉर्मूले फाइंड आउट कर लोगे। तो इसमें क्या होता है, वन प्लस एक्स रेज टू द पावर एन इक्वल टू वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब जैसे ये है वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन, ठीक है, तो x को तो किससे रिप्लेस करोगे, माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, और n को किससे रिप्लेस करोगे, माइनस वन से रिप्लेस करोगे। ठीक है, तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके देखना और n को माइनस वन से रिप्लेस करोगे, तो यही टर्म्स आएंगे अपनी, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। क्लियर है सभी को? मेन इसमें फोर फॉर्मूले होते हैं, वन प्लस एक्स की पावर एन, वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन, वन माइनस एक्स की पावर एन और वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन। तो इसके अकॉर्डिंग सभी फॉर्मूले इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग देखो टर्म्स अपनी आएंगी, जेड को मल्टीप्लाई करोगे तो जेड प्लस वन अपॉन जेड प्लस जेड की पावर फोर हो जाएगा, जेड की पावर फोर के अकॉर्डिंग ये होगा वन अपॉन जेड क्यूब सिक्स, तो वन अपॉन जेड रेज टू द पावर फाइव एंड सो। तो जेड की नेगेटिव पावर्स वाली टर्म्स आ रही हैं, जेड माइनस जीरो क्यूब, जेड माइनस जीरो की पावर वन, जेड माइनस जीरो की पावर फाइव। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये जेड इक्वल टू जीरो पर लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन हो गया, नेगेटिव पावर्स है यदि इसमें इंक्लूड नहीं होती देन ये जो है वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा सभी को। दिस टर्म इज द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है,